स्वतंत्र पीएससी के रिजल्ट आ गए हैं और आपको बता दें कि राज तिवारी ने सीजीपीएससी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सातवां स्थान प्राप्त किया। उनकी सफलता से उनके मित्रों सहित परिवार के लोगों में हर्ष का माहौल है। सभी सुबह से ही राज तिवारी को बधाई देने उनके घर पहुंचे और उन्होंने अपने कड़े परिश्रम और अथक प्रयास से पीएससी की परीक्षाओं राज ने पास की है। अपनी सफलता को लेकर राज तिवारी ने कहा है कि उनका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर के पद को पाना है और ये पहली बार नहीं है कि राज तिवारी ने पीएससी के टॉप 10 को हासिल किया हो, बल्कि इससे पहले भी साल 2012 में राज तिवारी ने पीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। अब तीसरी मरतबा पीएससी पास कर राज खुश तो हैं पर पूरी तरह से अभी भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आगे भी पीएससी की तैयारी में जुटने की इच्छा जाहिर की है। राज तिवारी ने युवाओं को सीख देते हुए कहा है कि धैर्य और हौसले के साथ मेहनत करने से ही सफलता हाथ लगती है। उसके हिसाब से ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता था और जैसे ही मतलब प्री कंप्लीट होता था तुरंत से मेंस की तैयारी के लिए डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, उसमें वर्ड लिमिट्स होते हैं 30 वर्ड्स, 60 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, 125, 125, तो उसके हिसाब से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने की। आंसर राइटिंग के साथ साथ अपना खुद का नोट्स बनाया, अपने नोट्स को अपडेट किया आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से और इस प्रकार से मैंने बेहतर तैयारी मेंस की। जब तक किसी कार्य को किया नहीं जाता वो बहुत ही असंभव सा लगता है। ये राज के सशक्त परिश्रम का परिणाम है जो आज हम सबके सामने है। इसमें हमारे गुरुजन, हमारे मित्रगण, हमारे परिवार वाले सबका इसमें बहुत ही योगदान है और राज की कड़ी मेहनत का नतीजा है जो आज सफलता उनके हाथ आई है।